ओम नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। मैंने अनेक बार आपको बताया है कि स्वर विज्ञान से हम कैसे भविष्य जान सकते हैं, या कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, या किसी के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसा ही एक जो ऐसी घटना एक घटी पिछले महीने, तो वह घटना मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि आपका शास्त्र में विश्वास हो, उसका यह उद्देश्य है। मैंने कोई उसमें चमत्कार नहीं कर दिया, या मैं बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ। जैसा शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार मैंने किया, तो ये कर्म मुझे मिला। ऐसा विज्ञान को आप समझे। आप खाना बनाते हैं, सब कुछ आपके पास है, अगर आप अग्नि का प्रयोग ना करें, अपना गैस ना जलाएं खाना बनाने के लिए, कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन उसमें आप डाल दें, वो खाना नहीं बनेगा ना। यही शास्त्र का उद्देश्य है। तो उज्ज्वला जी हैं नागपुर से, महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है वहाँ से, उनके साथ मेरी बातचीत है, आप उस बातचीत को सुनिए। उनका भाई लापता हो गया था, गुमशुदा हो गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे भाई की स्थिति क्या है। तो मैंने जैसे कि बोला कि शास्त्र के अनुसार जाना, उनसे कुछ बातें पूछी और उनको यह निष्कर्ष बताया कि आपका भाई कष्ट में है, जैसी स्थिति में वो गया है वो उसी स्थिति में वापस लौट कर नहीं आएगा। तो ज़्यादा डिटेल में आप इस बातचीत को आगे सुन पाएंगे और समझ पाएंगे कि स्वर विज्ञान की शक्ति क्या है, स्वर विज्ञान कितना प्रभावशाली है। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, कैसे हो आप? हाँ ठीक है। अभी हाँ, चलिए थोड़ा बताइए जरा, आप जो अपना अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए जरा। गुरु जी, अनुभव तो शेयर करेंगे। जो आपने हेल्प की उसके लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। नहीं, धन्यवाद और तो क्या है ना, है, देखो। हाँ क्या है ना कि हम जिस दिन गाँव गए थे ना, और उसकी मिसिंग की या आगे खबर आ गई कि मिस यानी कि वो दिख नहीं रहा मेरा भाई। तो हमको कभी लगा नहीं था कि वो ऐसे पानी में ऐसी उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसकी मौत की खबर भी नहीं हम सुनने वाले थे। ऐसा हमको लग रहा था क्योंकि वो उसको आदत नहीं थी ऐसी। पर क्या हुआ ना, सब डर गए थे। तो मैंने आपको, मेरी बहन बोली कि वो जो आपके सर है ना, बोले कि उनको थोड़ा कॉल करके डिटेल पूछ लो, बोले क्या है क्या नहीं। तो मैंने आपको कॉल किए और आपने बता भी दिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, उसकी खबर आएगी आपको। और हमको ना दूसरे ही दिन उसकी खबर आ गई कि वो पानी में डूबा है और उसकी लाश मिल गई करके हमको घर में मैसेज आ गया। लेकिन जो आपने जो बोले थे ना कि वैसा वैसा करना, यानी कि वो जो हनुमान जी का चोला वगैरह, तो उसकी डेथ होने के बाद हमने वो मंदिर में जाके दे आए, ऐसा हमारा अनुभव है गुरु जी। और जो आपने भी, तो हम ऐसे उसको ढूंढते ही रहते कि कहाँ गए, यानी कि ढूंढते ही रहते समझो। मैं भी शायद हिम्मत नहीं कर पाया आपको ये बताने की कि वो जीवित नहीं है या जीवित नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं भी 100% श्योर नहीं था। देखो, जीवन की 1% भी संभावना हो ना, तो उसमें ही विश्वास किया जाता है, 99% में विश्वास नहीं किया जाता। सही और बात है। अगर मुझे भविष्य ही दिखने लग जाए, मैं भविष्य को ही जान जाऊं, फिर तो मैं भगवान ही हो गया ना। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो इंसान ही हूं। इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को रोक के रखा, पूरा खुल के आपको बोला नहीं। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा संभावना इस बात की थी कि जीवन का जब अंत होता है या जीवन जब समाप्त होता है, तो वो सभी लक्षण मुझे दिखे थे आपसे बातचीत करके उस समय। लेकिन मैं आपको हिम्मत हाँ कर पाया बताना, शायद ये गलत भी है और शायद सही भी है कि एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हम एक दूसरे के भावों को समझते हैं ना। और आप तो बहन हो, देखो, बहन को ऐसे बोलना उसके भाई के बारे में तो बहुत कठिन है, आसान नहीं है ऐसा।
लेकिन मैंने आपको इनडायरेक्टली ऐसे बोला था कि वो कष्ट में है, वो वापस नहीं आएगा, है बिल्कुल हाँ तो तो आप कहते थे कि वो बहुत तकलीफ में है, तो हमको लगा था वो कहाँ पे होगा, किस हालत में होगा। तो आप जो जब रुक रुक के बातें कर रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा सा 50% तो यकीन आ गया था कि इसका कुछ ना कुछ तो हुआ होगा करके, क्योंकि आप भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे थे मुझे। आपने सही बोला कि आप बहन होने के नाते तो यानी कि हम पे क्या गुजरे हुई आपने फील किया, और हमको आपने जो यानी कि थोड़ा सा धीरज रख के आपने बता दिया कि इसकी खबर आएगी करके, जो आपने बता दिए तो आपने अच्छा ही किया, क्योंकि उस दिन तो कुछ अलग ही माहौल था हम लोगों के ऊपर, हम परिवार के ऊपर। मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को, तो देखो कोई नहीं बांट सकता, वो तो दुख आप ही सहन करोगे। बस परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और सद्गति प्राप्त हो उसको ना, ये सबसे बड़ी बात है। जीवन तो समाप्त हम सबका ही होना है, कोई भी यहाँ पे सदैव नहीं रहने वाला, लेकिन हमारे जो हाँ जो सद्गति हो इसमें हमारा जो है थोड़ा प्रयास रहे। मैं फिर बिल्कुल तो आपकी आज्ञा है, मैं ये बातचीत बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, बताइए। हाँ हाँ, 110% आप शेयर कीजिए, क्योंकि पता है क्या, जब हमको कभी रास्ता नहीं दिखता ना, तो आप लोगों की हमको याद आती है जो हमारे गुरुजी है, हमारे जो आध्यात्मिक इनकी गुरुजी रहते हैं, हम उनके उनके पास ही जाते हैं। हम कुछ यानी कि कुछ समझता नहीं, कुछ यानी कि सामने रास्ता ही दिखता नहीं, तो हम आपके पास आते हैं, और स्वर्ग ज्ञान में तो इतनी ताकत है कि आप यानी कि कुछ ना कुछ तो वहां से रास्ता निकलता है, और आप लोग कुछ ना कुछ तो हेल्प करते ही हो ऐसे तो देखिए, खुशी मुझे। की बात सब शेयर करना चाहते हैं ना, जो खुशी की बात होती है हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं। दुख को कोई आसान नहीं है दुख किसी के साथ शेयर करना, या आपका दुख कोई समझना नहीं चाहता ना, इसलिए मैंने हाँ आपसे, आप कंफर्टेबल हो तभी मैं आप ये वीडियो जो है किसी और को दिखाऊंगा फिर। किसी के साथ भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आपके पास आएंगे, अगर कोई आपके पास सोल्यूशन है तो आप उनको बता सकते हैं। आपने भी बताया कि मेरा भाई कष्ट में है, तो हमने भी जैसे आपने उपाय बताया वैसे ही हमने किए, वो चोला जो हनुमान जी का, क्योंकि वो वैसे हालत में था पहले दिन ना, उसने पूरे अपने ऊपर के कपड़े निकाले थे, यानी कि कोई लोग बता रहे थे, हमने तो कभी देखा नहीं, पर बताने पे भी विश्वास करना पड़ता है। हमने ना सुना कि वो कपड़े उतार के पूरा जय हनुमान जय श्री राम ऐसा बोल रहा था बोलते, तो हमने आपको शेयर की ये बात, तो आपने वो चोला हनुमान जी के मंदिर में दान करने के लिए बोले, तो हमने ये सब किए गुरु जी। हाँ जी, बस यही आशा करते हैं कि उसको सद्गति प्राप्त हो, बस मेरी भी यही ऐसी आशा करते प्रार्थना हैं। है, मेरी भी ऐसी प्रार्थना है कि उनको उनको सद्गति प्राप्त हो। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, आगे कोई ऐसी स्थितियां अगर रहेंगे तो उनको भी आपके पास आने की, यानी कि वो किसी के पास नहीं जाएगा, वो हमारे लिए उस टाइम भगवान के समान रहते, भगवान तो नहीं है हम भी समझते हैं, लेकिन जो राह हमको दिखाता है ना, वो भगवान से भी कम नहीं होते, यानी कि इसलिए किसी को भी अगर प्रॉब्लम रही तो आप आपके पास आएंगे और आपको अपनी तकलीफें बताएंगे, ताकि आप इसके ऊपर यानी कि थोड़ा सोल्यूशन तो भी निकाल सकते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, आप शेयर कीजिए गुरु जी। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।